हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, आज की जो वीडियो है वो होने वाली है पॉकेट ऑप्शन के ऊपर। काफी सारी जो क्वेरीज है मुझे मिलती है पॉकेट ऑप्शन से रिगार्डिंग, कि सर पॉकेट ऑप्शन में ट्रेड लेना सेफ है, यहाँ पे विड्रॉ से रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं आते, डिपॉजिट के क्या मेथड्स है, या फिर जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्मूथनेस क्या है, या फिर कितना डेमो अकाउंट में हमें प्राइस मिलता है, यानी कितना अमाउंट मिलता है जिसे हम वर्चुअली ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं और इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूं वीडियो पॉकेट ऑप्शन से रिगार्डिंग, जहां पर डिटेल्ड रिव्यू नहीं था, बट इन दिस वीडियो पूरा डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और उससे पहले लाइक कर देना वीडियो को। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको पॉकेट ऑप्शन के बारे में कंटिन्यूअसली बताने वाला हूं, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उससे पहले आप जो स्क्रीन है इस पे देख पा रहे होंगे, यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं साथ में, आप साथ में एक स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो चीजें चल रही होंगी। यहां पे पॉकेट ऑप्शन का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे होंगे, साथ में मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो डेमो अकाउंट को लेकर लोगों के मन में क्वेरीज आती है कि सर डेमो अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं पॉकेट ऑप्शन के अंदर तो हमें कितना अमाउंट मिल जाता है वर्चुअल मनी के रूप में। तो हमें मिल जाता है $10,000, जो कि यार बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। यहां पे आप अपना वर्चुअल मनी के साथ ही इन्वेस्ट करो, यानी वर्चुअल मनी के साथ आप यूज करो अपने ब्रेन को और स्ट्रेटजीज को, और यहां से अर्न करने की कोशिश करो। अगर आप कर सकते हो देन आप रियल मनी इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है जेन्युइन है, अच्छा है। काफी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं सर यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। आप डिपॉजिट कर सकते हो क्योंकि विड्रॉल मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता है आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है रिगार्डिंग कि क्या ब्रोकर, किस तरीके के ब्रोकर्स हैं, कौन सा ब्रोकर जेन्युइन है कौन सा नहीं। बट अबाउट दिस ब्रोकर, यहां पे आपको डेफिनेटली विड्रॉल मिल जाते हैं, आप यहां पे ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे ट्रेड लेने में। बट द थिंग इज, डेमो अकाउंट से स्टार्ट करो। आपको $10,000 का बोनस मिल रहा है, जो कि कम नहीं है। $10,000 के बोनस में आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करो। इफ यू आर सक्सेसफुल इन डेमो अकाउंट, देन ट्राई विथ रियल अकाउंट, रियल अमाउंट के साथ उसके बाद ट्राई करो, पहले मत करो। मेरा तो हमेशा से यही सजेशन रहा है, बिकॉज आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, या तो पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, पैसा कमाने में भैया बहुत बहुत मेहनत लगती है, तो उसको ऐसे गंवाना नहीं चाहिए, उसको बहुत सोच समझ के आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर भी आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। पहले सिंपल सी बात है भैया, डेमो अकाउंट में यूज करो, उसके बाद आप रियल में आओ तो आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओगे, अपने स्किल्स को और इन्हांस कर पाओगे, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है जब आप रियल अकाउंट में ट्रेड लोगे। गाइज, एक और बात, एक और जरूरी बात अबाउट पॉकेट ऑप्शन, जहां पे आप सिर्फ $1 की अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $1 की इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी $1 की ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। देखिए, ट्रेड अमाउंट जो मैंने $1 सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे मैं डाउन, यानी कि हम बुलिश और बियरिश कैंडल्स की तरफ ट्रेड ले सकते हैं जस्ट $1 की इन्वेस्टमेंट के साथ। ये एक और सर्विस है जो पॉकेट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो गाइज, अब बात कर लेते हैं स्मूथनेस की। तो यार, काफी सारे लोग हैं जिनको स्मूथनेस से बहुत फर्क पड़ता है, यानी कि ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो कितना स्मूथ है, ट्रेडिंग के जो एग्जीक्यूशंस हैं वो कितने फास्ट है, इसको लेके बहुत डाउट्स रहते हैं लोगों के मन में। बिकॉज अगर हम ट्रेड करते हैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, अगर हम कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं तो हमारे मन में आना चाहिए डेफिनेटली कॉम्पिटिशन बहुत है। तो हमारे जो डेफिनेटली दिमाग में एक चीज आती है वो ये कि भैया स्मूथनेस कितनी है ब्रोकर के अंदर, मतलब अगर हम अभी एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड तो वो कितने सेकंड बाद प्लेस होती है। सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो ये आता है, दिमाग में भी आता है क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दूंगा। पॉकेट ऑप्शन प्रोवाइड करता है द हाईएस्ट सर्वर्स इन इंडिया, दो सर्वर्स है उनके पास इंडिया के अंदर और बहुत हाईएस्ट स्पीड प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक अलग हटके बना देता है इस ब्रोकर को। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनका कंसर्न रहता है स्मूथनेस और स्पीड को लेके, कनेक्शन को लेके और जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है उसको लेके। तो डेफिनेटली यहां पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, आप इसको यूज कर सकते हो और अच्छी अच्छी ट्रेड्स है आप प्लेस कर सकते हो डेफिनेटली। और अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन, एक मैं डिस्क्लेमर पहले ही बताना चाहूंगा, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना फास्ट नहीं है और आप बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हो तो डेफिनेटली वो आपको नहीं मिलने वाला है। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए आपको, उसके बाद यहां से आपको स्मूथनेस मिल सकती है। यहां से अगर किसी भी ब्रोकर से आपको अगर स्मूथनेस चाहिए तो कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। इवन दो जो सेकंड पॉइंट आता है सर्वर्स के लिए, तो यहां पे हाईएस्ट स्पीड सर्वर है इनके पास, पॉकेट ऑप्शन के पास, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आप यूज कर सकते हो। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कस्टमर लॉयल्टी की। उससे पहले बात कर लेते हैं, यार जो स्क्रीन है साइड में चल रही है इसमें आप देख पा रहे होंगे चीजें,
यानी ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने पूरा पॉकेट ऑप्शन का रिव्यू दे रहा हूँ किस तरीके से आप साइनअप कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखते रहना साथ साथ में, ठीक है, और वीडियो को भी देखते रहना, मुझे भी सुनते रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हेल्पफुल होने वाली है। हालांकि मैं इतना लाइक सुनने में अच्छा नहीं हूँ, इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, बट कुछ टाइम पे बोर लाइक कुछ चीजें हैं जो को बोरिंग जरूर लगेगी बट आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं कस्टमर लॉयल्टी की, तो ये क्या है। अगर हम कोई ब्रोकर चूज करते हैं तो हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमें बोनसेस मिलेंगे। अगर बोनसेस मिलेंगे तो कंडीशंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होंगी, और अगर कंडीशंस भी ट्रांसपेरेंट होती हैं तो क्या यहाँ पे कोई लॉटरी प्राइजेस कॉन्टेस्ट के ऑप्शन हमें मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। तो डेफिनेटली यू आर चूजिंग राइट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अगर आपको ये सारे ऑप्शंस चाहिए तो पॉकेट ऑप्शन जो है ब्रोकर आप लोगों के लिए परफेक्ट है। यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं रिगार्डिंग सेम आपको मिल जाती हैं, यानी कि आपको कॉन्टेस्ट लॉटरी और ये जो प्राइजेस है ये डे बाई लाइक टाइम टू टाइम ये लोग करते रहते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, जो लॉयल कस्टमर्स हैं उन लोगों के लिए, तो इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। पॉकेट ऑप्शन के साथ हो तो इसकी जरूरत नहीं है। बाकी आपको मैं ये नहीं कि मैं आपको पुश कर रहा हूँ, बट पॉकेट ऑप्शन में यहाँ पे किसी को पुश नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों का खुद का डिसीजन है, आपके डिसीजन है। द वीडियो इज ओनली फॉर रिव्यूइंग, मैं आपको यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ पॉकेट ऑप्शन के, जो मैं फील करता हूँ पॉकेट ऑप्शन वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, नहीं लगता तो इट्स योर चॉइस, बिकॉज हमेशा से कहता हूँ पैसा आपका है, डिसीजन भी आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है पॉकेट ऑप्शन की ना तो तारीफ कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, बट द थिंग इज जो मुझे पर्सनली फील होता है अबाउट पॉकेट ऑप्शन, तो वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ द ऑनेस्ट रिव्यू। सो गाइस पैसिव इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ईच एंड एवरी बाइनरी एप्लीकेशन जो मैंने आज तक आपसे डिस्कस की है जहां पे आप पैसिव इनकम कर सकते हैं, घर पे बैठे पैसे कमा सकते हैं, बाइनरी एंड फॉरेक्स ऑप्शंस एज वेल एज, बट कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन सारे लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पे पॉकेट ऑप्शन आपको फॉरेक्स में कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप प्रो ट्रेडर्स को कॉपी कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो, माफी चाहूंगा, ट्रेड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में प्लेस होगी और आप अर्न कर सकते हो ट्रेडिंग से बिना कोई ट्रेड लिए, यानी कि बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना नॉलेज के आप पैसा कमा सकते हो पॉकेट ऑप्शन के साथ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, ऑलरेडी वीडियो एक्सप्लेन है, नहीं देखिए प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वीडियो काफी सारी मैं बना चुका हूं जिसमें आपको पता है कॉपी ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे आप इसको कर सकते हो। बट द थिंग इज जो मेरा मेन पॉइंट था बताने का कि कॉपी ट्रेडिंग की जो सर्विसेज है वो पॉकेट ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आप पैसिव इनकम के सोर्सेज इंक्रीज कर सकते हो, द चांसेस इंक्रीज कर सकते हो विनिंग एज प्रो ट्रेडर्स को कॉपी करके। गाइज जब हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं तो एक और चीज हमारे दिमाग में आती है, यूजर इंटरैक्टिव इंटरफेस। तो यूजर इंटरैक्टिव इंटरफेस क्या है, मतलब हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए उस इंटरफेस के साथ। तो पॉकेट ऑप्शन का इंटरफेस जो है बहुत ही क्लीन है एंड लॉयल है, तो यहाँ पे आप अच्छे से इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आप पॉकेट ऑप्शन को चूज करते हैं एज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अगर फॉरेक्स एज वेल एज बाइनरी। तो प्लेटफॉर्म बहुत इनोवेटिव स्ट्रक्चर के साथ है, इनोवेटिव एलिमेंट्स के साथ है, अगर आप इसे यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप एक बार जरूर चेक करना चाहिए। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ब्रोकर है इसकी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो ये, यहाँ पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट ट्रेडर के साथ चैट कर सकते हो, उनके मैसेजेस देख सकते हो, इवन उनसे बात कर सकते हो, उनकी ट्रेड्स हिस्ट्री देख सकते हो और बहुत कुछ। ये जो फीचर है हर एक प्लेटफॉर्म के साथ अवेलेबल नहीं होता, और मुझे पर्सनली जो सबसे कूल फीचर लगा अबाउट पॉकेट ऑप्शन तो वो यही लगा कि आप प्रो ट्रेडर्स के साथ चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, जो कि मुझे अच्छा स्टेप लगा, पॉकेट ऑप्शन का एक इनोवेटिव स्टेप लगा मुझे, जहां पे इन्होंने ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है लर्न करने की, तो वो बहुत अच्छी चीज मुझे लगी और एक नया स्टेप लगा बाइनरी और फॉरेक्स वर्ल्ड की तरफ, एक जो डिजिटलाइजेशन है उसकी तरफ हमें एक नया वर्ड लगा। तो इसी वजह से ये जो ब्रोकर है ये टॉप लिस्ट में हमारे लिए, लाइक एक जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि जो पॉइंट है मुझे काफी अच्छा लगा। उम्मीद करूंगा यार गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, वीडियो में कोई दबाव किसी तरीके का आप लोगों के ऊपर नहीं है, पॉकेट ऑप्शन यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो, ये जो रिव्यू है ये मेरे ओपिनियन है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो, नहीं पसंद आपको तो आप मत यूज करो, अगर आपको पसंद है तो आप यूज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए। और एक और बात यार, वीडियो पे फर्स्ट टाइम है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, वीडियो को उम्मीद करता हूँ लाइक आपने कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे आसान भाषा में आप लोगों तक चीजें पहुंचाई जाती है, उसी के लिए फेमस है। तो आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर दिया होगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो यार अभी ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगर आपको लिंक वर्क नहीं करता है तो सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली, और वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।